देखो टेबल पे तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर आप सोचे कि चेयर से हो जाए तो वो संभव नहीं है। जी जी वो तो जादू ही कर सकता है कि टेबल पे बैठ के, और जादूगर मुझे तो लगता नहीं कि हम में से कोई है, है? नहीं, जादूगर तो हमारे टीचर हैं जो हमें जब पढ़ाया जाता है। आपने मार्शल देख किया है? सभी जादूगर बहुत है वो तो सारे। ऐसे कहते हैं कि आपने ये सीख लिया, अब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हो। अच्छा, जिनको टेलबोन की प्रॉब्लम है, अचानक ट्रीटमेंट देते, जब ट्रीटमेंट आपका कम्प्लीट होता है तो एकदम बैठने के लिए ना कहें, क्योंकि उस पर बैठने से सीधा टेलबोन पे प्रेशर आता है। ठीक है, वो प्रेशर हमने रिलीज किया है, तो इनको पहले उल्टा लिटा दें। आप उल्टे लीट से इनको, एक पैर नीचे रख लीजिए, नीचे पैर, और ऐसे उतरने के लिए बोलें, जैसे कभी देखा है बच्चा कैसे उतरता है जब छोटा होता है। उतर जाऊं? हाँ, आप आराम से उतर जाइए। आपको छोटा बच्चा बना दिया। अच्छा, लेटने का भी इसी तरह का इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी चेयर पे भी बैठते हैं तो चेयर बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, चेयर में बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि हार्ड हार्ड होगी तो फिर इनको प्रॉब्लम आएगी। एक चेयर सॉफ्ट है, इनका सिटिंग पोजीशन वही है गद्दी वाली। आप चेयर कोई भी है आपकी, गद्दी होती है कुर्सी में जैसे आपकी है वैसे ही रिवॉल्विंग। कभी कभार क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट ज्यादातर ऐसे बैठते हैं, ऐसे इनका सिटिंग का काम बहुत है। ठीक है, वो इनको देखना है, इनको समझा देना है कि भाई ये आपको बचना है, नहीं कर पाएंगे तो हम कितना भी ट्रीटमेंट दे लें ठीक नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट का इस तरह से पोस्चर होता है, क्योंकि ये चीज बाहर आई तो टेलबोन सीधी अंदर चली गई। तो ऐसे पेशेंट को बोले हम कि आपको सीधे बैठना है, वो कैसे भी करो, आप देखो आपकी चेयर कैसी है, अगर आपको ज्यादा ध्यान देना है तो उनकी चेयर भी देखें। कोशिश करें ये जैसे इस पे आप अंदर की तरफ देंगे प्रेशर तो तुरंत चेस्ट बाहर आ जाएगी, कर्वेचर पूरा ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो कोशिश करें इस तरह से बैठना ही है इनको जी। कुछ भी करो, एक्सरसाइज वगैरह कैसे बैठते हो? पहले दो तीन थेरेपी देने के बाद, दो या तीन थेरेपी देने के बाद फिर सारी एक्सरसाइज पेशेंट को समझा दो कि आपको इस तरह से। फर्स्ट में उनको पहले तो सिटिंग दे दो, एक्सरसाइज मत देना, क्योंकि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो प्लस एक्सरसाइज उनका पेन बढ़ा देती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिस मसल्स पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट तो दे ही रहे हैं साथ के साथ ही वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसकी और ज्यादा खिंचाई कर रहा है, तो फिर उसको पेन आ जाएगा। तो पहले उसके पेन को कम करो और उसके बाद फिर उसको एक्सरसाइज बताओ। तो शुरुआत में आप ये कह दो उनसे कि आप अपना सिटिंग पोस्चर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ से है, तब तक ना तो पेशेंट उस चीज पे ध्यान देगा, ना आपकी समझ में आएगा मैं ट्रीटमेंट भी ठीक दे रहा हूँ, सब चीज डायग्नोस भी मेरा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो सारी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे में खासकर सेटिंग, अगर आपको चेयर भी देखनी हो तो पेशेंट से जरूर दो कि आप पिक दो उस चेयर की, या बोलो दूसरे से कि भाई जब ये बैठते हैं आप इनकी एक पिक दो, तो अच्छे से उसको डायग्नोस करो, उस पर पूरा फोकस करो पेशेंट को। अगर पूरा फोकस करेंगे, मैं कहता हूँ पेशेंट ठीक होगा ही होगा किसी भी स्टेज का है। ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं जो कभी कभार हमें भी ये लगता है नहीं ये पेशेंट ठीक नहीं होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक दो पेशेंट मैं देखता हूँ, मैंने देखा बहुत ज्यादा बहुत क्रिटिकल है, लेट के खाना खाना, लेट के बाथरूम करना, सब कुछ लेट के करना। मैंने जब MRI देखी उसकी तो लगा कि ये पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट हमें कहना कि ठीक नहीं होगा तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ठीक नहीं होगा, फिर भी हमने उन्हें घुमाने की कोशिश की भाई आप ठीक नहीं होगे, गाजियाबाद से आते हो, गाड़ी में इतना रेंट है, आप ऐसे बैठ के आएंगे कैसे ट्रीटमेंट ले पाएंगे आप। 2-3 साल से बिल्कुल बेड पे था, तो हमारी एक असिस्टेंट थी उससे उसने बात की, और तुरंत ही जो है वहां रूम था वो पास में थी, तुरंत रूम ले लिया रेंट पे, मुझे कुछ पता नहीं। फिर बात करके फिर आए, कह रहे सर आपको ट्रीटमेंट देना है। मैंने कहा ठीक है देंगे, लेकिन आप वहां से आएंगे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर आप ऐसे बैठ के जाएंगे तो वो तो बेकार ही हो जाएगा, 1000-1500 रुपये आप डेली गाड़ी में खर्च करेंगे। इतना उनके अर्निंग सोर्स नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था। तो जब उन्होंने उससे बात की तो फिर मैंने भी कमर कस ली, फिर मैंने एक ही बात की, आप ठीक हो जाएंगे लेकिन आपको दिन में 3-4 घंटे एक्सरसाइज करनी है, आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप जाओ। उन्होंने इस चीज के लिए भी हाँ भी भर ली। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है एक्चुअली एक मसल्स में पेन आएगा फिर एक्सरसाइज बताने में, नहीं बता देते हैं, नहीं नहीं आगे अभी करना नहीं है। हाँ, अभी करेंगे नहीं, आप आपके ऊपर बता देते हैं। हाँ, मैं आपके ऊपर, ये ठीक रहेगा। तो उन्होंने दिया, ऐसा केस था कि मैजिक ही था उसमें एक तरीके से,
केस एमआरआई जो देख ले उसके वो सुट जाए सारी, कम से कम 6 जगह से मिस ली थी। तो उन्होंने टाइम दिया और ऐसा मैंने जब अपना रिकॉर्ड देखा क्या करना है 30 सीटिंग लग गई। अरे नहीं यार वो ठीक है, तो 30 सीटिंग में आज वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं आज करते हैं, जिसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये खड़ा होके चलो आज स्टार्टिंग उल्टे से करेंगे। ठीक है आप उल्टा देख रही ये एक्सरसाइजेस शियाटिका पेन के लिए है, जिनको शियाटिका पेन है उनके लिए है। शियाटिका पेन है जिनका कर्वेचर का इशू है, जिनको कर्वेचर की प्रॉब्लम। अच्छा ये अलग है, इसमें हमें ये देखना है ये एक्सरसाइज उनको नहीं करानी है जिनका हर्नीशन है, डिस्क फट जाती है उनको नहीं कराना, उनको पेन बढ़ जाएगा। तो हमें ये पहले ही डायग्नोस कर लेना है कि इनकी बल्जिंग है, बल्जिंग अलग है डिस्क से। ठीक है इसमें कोशिश करें इनके जो हाथ है शोल्डर के पास लेके आवा हल्का सा पीछे। ठीक है और ये एक्सरसाइज बहुत स्लो मोशन में होनी चाहिए। हर योगा में जब ऊपर की तरफ आते हैं तो सांस लेनी होती है और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो सांस छोड़नी होती है। ठीक है ऊपर लाइए सांस नीचे कह रही और ऊपर लेके आई। योगा टीचर है। अच्छा हाँ फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है आप बहुत ज्यादा मत करिए इसको स्ट्रेच, क्योंकि जिनको पेन होता है बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सर्वाइकल वालों को कभी कभार इस तरह से अगर जबरदस्ती करेंगे तो उनको शोल्डर में पेन आ जाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है नीचे जाइए। अच्छा ये हो स्लो मोशन में, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बैक स्टफ होती है तो उसमें बहुत स्लो करें। यस आइए ऊपर और थोड़ा सा फास्ट लीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ इतना ही हो, इससे ज्यादा वैसे तो इससे ज्यादा करेंगे कभी कभार बैक पेन भी आ जाता है तो हाफ ठीक है। तो से नहीं करना है अभी और भी बताएं। पहले गर्दन को जो है ना श्वास भरना है, पहले आपको ये देखना है कि वो किस तरह से कर रहे हैं। पहले श्वास भरना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, फिर गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करना है, गर्दन थोड़ी ऊपर हो जाए। हाँ गर्दन का ध्यान रखना है, सर्वाइकल अगर है बहुत ज्यादा तो बहुत प्रेशर ना देना है गर्दन, कोशिश करें ऊपर देखने की, छत को देखने की कोशिश करें और बहुत ज्यादा उसको। और आपको सर्वाइकल भी है, सर्वाइकल नहीं है ये, आपको लग रहा है आपकी तो पूरी बैक ही प्रॉब्लम है। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे लास्ट में वहां पर श्वास समान है, कमर बिल्कुल सीधी ठीक है ना आपकी, आप खड़े हो जाए तो बेस्ट रहेगा थोड़ा सा। ठीक है हाँ ये इनका शैटिका की साइज है। ठीक है इसमें शैटिका में बहुत ज्यादा भुजंगासन नहीं लगाना है, हाथों को बिल्कुल सीधे नहीं रखने हैं, हल्का सा बैंड रखना है इसमें, क्योंकि एक योगा अच्छा है लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको उनके लिए नहीं। ठीक है फर्स्ट सेकेंड पीछे लेके आइए दोनों हाथ, नहीं ऊपर लाइए हल्का सा, ये वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ये भी इसी तरह से भुजंगासन की तरह ही है, होल्ड 3-4 सेकंड सर। हाँ कोशिश करें 5 सेकंड होल्ड, इसमें 5 सेकंड होल्ड होना चाहिए। वेरी गुड ठीक है। हाँ दो एक्सरसाइज हो गए, तीसरी एक्सरसाइज दोनों हाथ उठाइए। अब इसमें एक एक पैर करके चलाने के लिए बोलिए, आप कुछों को नी नहीं आराम से चलाना है, इसमें प्रेशर नहीं देना है क्योंकि कुछों को नी पेन होता है, अगर ये ज्यादा तेजी से चलाएंगे तो उनको जर्क आने के चांस होते हैं, इंजरी होने के धीरे चलाने के, तो धीरे चलाना है ठीक है ना आपको वैसे। हाँ चलाइए वेरी गुड। हाँ नहीं जर्क आपको भी ज्यादा नहीं देना है क्योंकि ये मैं इनके लिए भी बता रहा हूँ, आपको नी के भी इशू है। नहीं जर्क नहीं देता हूँ। क्योंकि शैटिका के जो पेशेंट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो जिनको नी पेन होता है वो शैटिका भी होता है, और जिनको नी पेन नहीं है वो हल्का जर्क दे सकते हैं, जिनको नी पेन नहीं है ठीक है ना।
जिसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मरम पॉइंट होता है, यहाँ पे लगना चाहिए, लगना चाहिए शैटिका में ये, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें ध्यान रखना है कि ये एक साथ नहीं करना चाहिए, ये हमें कम से कम जो है 10-15 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब जाके हमें मरमा पॉइंट। आपने इतनी स्पीड से नहीं करना, असल में ये हमारे योगा टीचर हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनको छोड़िए आप, ठीक है। बाबा रामदेव जी ने इनसे सीखा था, नहीं ये गुरु हैं, ये दोनों पैर चलाना, हाँ नहीं एक साथ नहीं, अभी नहीं आप, ये मैं एक्चुअली उनके लिए बता रहा हूँ जिनको पेन रहता है ज्यादा, ठीक है। अब आप सीधा ले चाहिए, एक आपको ये नहीं बताया गया शायद, किसी ने बताया नहीं, ऐसे ऐसे मुड़ो, ये पागल के अंदर ये डाल के रखते क्या है, यहाँ पर्स नहीं डालना बिल्कुल शर्टा पिन वाले को, सिर्फ डिस्क वाले को, कुछ भी सामान नहीं डालना, कोशिश ये करें कि ना ही डालें तो बेस्ट है, वैसे तो किसी को भी नहीं डालना चाहिए, किसी को नहीं डालना चाहिए, किसी को नहीं डालना, ठीक है। इसके बाद ठीक है आप ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद कराना है पवन मुक्त आसन, ये कराइए, ये 5 सेकंड इसमें होल्ड रखना है, पवन मुख श्वास भरेंगे, श्वास भर के रोकेंगे, फिर नाक को लगाते हैं इससे, नहीं नहीं लगाना है, खाली आपको करना आता है, हाँ सीधा कर लीजिए। ये अभी मैं आपको भी लेके बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना, मोड़िए इस तरह को, ये 3-4 दिन के बाद आप करेंगे जब ठीक हो जाएंगे, हाँ धीरे धीरे जैसे आपको नॉर्मल होते रहेंगे ऐसे ऐसे हम एक दो चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। मैं टहलने की सोच रहा हूँ, सुबह बहुत कोहरा था पर डर के मारे गया नहीं, मैं चला नहीं था, आज 5 सेकंड मिनिमम 5 सेकंड होल्ड करिए, सड़क तो दिखाई दे रही थी यार, अरे नहीं मैं भी सुबह गया 5 बजे। हाँ कोशिश करें हर एक्सरसाइज हर योगा 3 बार तो कम से कम करें, ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं वैसे तो, मैक्सिमम 5 मिनट ही बोलते हैं कि हर योगा को 5 मिनट दो, हर योगा को 5 मिनट दो, अगर हमने 5 भी करा दिया तो मीन्स 25 मिनट हो गई, और 25 मिनट तो अपने शरीर के लिए देने ही चाहिए, सभी को देने चाहिए, एक एक आसन 3 घंटे 48 मिनट के, हाँ आप तो एक्सपर्ट है ना तो हम एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं एक्सपर्ट कुछ भी नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है ना, दोनों पैरों को हाथ पीछे लेके आइए, मकर आसन, गुड। इससे स्पाइन ट्विस्ट होती है, ये बैक पेन नी पेन के लिए बहुत अच्छा है, शैटी का पेन वैसे तो करें हॉल स्पाइन के लिए, बैक इसमें सर्वाइकल भी, मतलब सब कुछ ऐड हो गया हमारी जो स्पाइन से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें भी कोशिश करें 5 सेकंड होल्ड, जल्दबाजी में कुछ ना करें, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। इसको हम कहते हैं जैसे कि हमने किसी कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं कपड़े को धोने के बाद, अपने पूरी बॉडी को अपने अपने ऐसे ट्विस्ट करना है, ये खुद भी अपने आप कर सकते हैं। ट्विस्ट के पीछे एक लॉजिक है कि हमारी अगर स्पाइन में कहीं भी कंप्रेशन है, डिस्क का कंप्रेशन है, तो वो जब ट्विस्ट करते हैं तो वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है जी। आप क्या करेंगे? मुझे नहीं करना, आपको ये करना है, नहीं अभी तो आपको नहीं करना, आपको 1-2 दिन ट्रीटमेंट और लीजिए, फिर आप करिए, बिल्कुल क्योर हो जाएंगे आपका, मैं कहता हूँ ये ऐसी थेरेपी है आपको क्योर कर देगी और परमानेंट की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। 5 मिनट ये कर सकते हैं या फिर 3 बार तो 3-4 बार ये करें ही करें, ठीक है। सर जी सबसे पहले क्या है कि आदमी को बॉडी को फ्लेक्सीबल बनाना बहुत जरूरी है, वो तो सबसे, जब तक आपकी बॉडी फ्लेक्सीबल नहीं होगी योगा बेकार है, ठीक है। तो वो हमने इसलिए नहीं बताए ज्यादा आपको, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल अगर है तो ये इशू ही नहीं होते आपको, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है तभी इशू आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेटे रहिए, हाथ ऐसे लेके आइए, ठीक है, हाथ थोड़ा सा इधर हो जाइए, ठीक है, हाँ ऐसे 90 डिग्री चलाएं और सीधा जाओ रिस्ट, हाँ आप ज़्यादा ना हो जिस पेशेंट से, वो इतना भी रख सकता है, ठीक है, ये भी, हाँ तो ये वही रख सकता है जिनकी स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। 5 सेकंड होल्ड एंड 90 डिग्री एंड डाउन एंड अप 90 डिग्री यस एंड डाउन एंड होल्ड,
ठीक है। कोशिश ये करें एक बार ये जरूर डायग्नोस कर लें कि पेशेंट को हर्नीशन तो नहीं है, बल्जिंग है या क्या है। अगर ऐसा आपको नहीं है, उसके पास एमआरआई नहीं है, तो फिर एक्सरसाइज थोड़ा सा लाइट ही कम से कम ही कराएं। बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच ना करें, बहुत ज़्यादा आप जो लाइट की स्ट्रेचिंग करेंगे वो बहुत ज़्यादा ना करें, तो पेशेंट से आराम आराम से बोलें। सर जैसे विदाउट एमआरआई हर्नीएशन का पता मैक्सिमम नहीं, विदाउट एमआरआई का नहीं लगता है, कितना भी हम कर लें काफ़ी हद तक लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। ऊपर लेके बैक को नेक डाउन आराम से बिल्कुल, यहाँ भी 5 सेकंड होल्ड। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो पेशेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, जो नहीं होती है उसे रोक देना, वहीं पे जबरदस्ती नहीं करना है पेशेंट के साथ कि नहीं आपको ये करनी है, पहले इस कंडीशन में पेशेंट को ले आए कि वो कर सके उस एक्सरसाइज को। और यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, हाँ ये भी सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका भी सपोर्ट ले सकते हैं, पिल्लो भी लगा सकते हैं। इस कंडीशन में तो फिर पेशेंट का बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें अभी उन पेशेंटों की हम एक्सरसाइज बता रहे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है बैक की शेड की। ठीक है, समझ में आ गया सारा। ये एक्सरसाइज है ऐसी। अब हर्निएशन की जहां बात करें कि भाई हमें कैसे पता चले कि पेशेंट को हर्निएशन है, उसको अगली वीडियो में।